साल का नियम बना है, ये साबित कर रहा है, ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए हैं, जो नई परंपरा शुरू की कारवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं, वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। देखिए ये फटकार कोई नई नहीं है, अभी तक के कार्यकाल जो देखेंगे आप, सबसे ज्यादा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं, और उसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हैं सरकार ने, वो सब टर्न डाउन होने चाहिए। देखिए डिवाइड एंड रूल, ये सुधार हमारे पत्रकार साथियों, कहीं सुधार सुनने को मिल गया, ये सुधार नहीं है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। देखिए गाजियाबाद शुरुआत है, और मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली से बेहतर गाजियाबाद बने, इसका प्रयास हम लोगों ने किया अपनी सरकार में। तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी थे गाजियाबाद के लिए, वो नेताजी ने या पुराने जो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर काम, वो कांग्रेस के ज़माने के दिखेंगे। इनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है, इनका काम केवल ये है कि विनाश कर दो। इनका काम है काम को रोक दो, तोड़ दो, और उसका परिणाम यह है कि आपका साथी भी, मैं नहीं जानता कि वो साथी कितना करीब आपका लोग हुआ, लेकिन पत्रकारों को जिस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते। जेल तो भेजा ही भेजा है, और मैं कहता हूं अगर आप सच दिखाने लगोगे तो आप में से भी कुछ लोग जेल चले जाएंगे। दबाव है सब पर, ये जितने पत्रकार साथी हैं ये दबाव में काम कर रहे हैं, और दबाव में नहीं काम करते, और अगर निष्पक्ष होकर काम करते हैं तो कई जगह कपड़े उतार दिए गए, नंगा कर दिया गया पत्रकारों को। ये क्या लोकतंत्र है ये बताइए। देखिए जो कोर्ट में हुआ और अधिवक्ताओं के साथ इस तरह व्यवहार पुलिस को नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात कोर्ट की थी तो मैं समझता हूँ कोर्ट में अपने प्लेटफॉर्म है, उन दोनों पक्षों का बात सुनी जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने भी अपना गुस्सा क्यों उतारा? किसका गुस्सा उतारा जा रहा है? जो वकीलों को भी अपमानित होना पड़ा। डेट इसलिए बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए कि वोट डाल के जाएंगे, तो जब भनक पड़ गई इनको तो इन्होंने चुनाव आयोग से तारीख बदलवा दी। हार के डर से इन्होंने तारीख बदली है, और उन्हें ये भी पता था कि यूपी में जो वोट पड़ेगा, वो जो हार होगी, जो संदेश जाएगा, कहीं इनका महाराष्ट्र का चुनाव भी न गड़बड़ा जाए।